दोस्तों, ये बहुत ही कठिन सवाल है कि कलयुग में जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों की तरह कलयुग में चीजें व्यवस्था के अनुसार नहीं चलती हैं। शास्त्रों में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बताई गई है, जिसमें जीवन जीने का सही तरीका बताया गया है। बाकी तीनों युगों में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का पूर्णता पालन किया जाता रहा है, लेकिन कलयुग में ये व्यवस्था लुप्त हो गई है और कोई भी इसका पालन नहीं कर पा रहा है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भक्ति देवी सोनकादिक ऋषियों से पूछती हैं कि जब कलयुग इतना बुरा है, तो महाराज परीक्षित ने उसे अपने राज में रहने क्यों दिया? वे तो सब कुछ जानते थे, फिर उन्होंने कलयुग को क्यों नहीं मार दिया? तब सोनकादिक ऋषि बताते हैं कि परीक्षित महाराज साराग्रही व्यक्ति थे और वो जानते थे कि कलयुग भले ही कितने ही दोषों से युक्त हो, लेकिन इसमें एक महान गुण है। वो महान गुण यह है कि इस युग में भगवान का नाम लेने से ही सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। जो फल सतयुग में ध्यान और योग करने से मिलता था, जो फल त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था, जो फल द्वापर युग में पूजन करने से मिलता था, वो सारा फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। जो फल सतयुग में 60,000 वर्ष ध्यान लगाकर और तपस्या करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था, वो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को नहीं मारा। इसी तरह एक कथा के अनुसार, जब भीम महाराज युधिष्ठिर के दरबार में थे और कुछ समय के लिए उसका नेतृत्व कर रहे थे, तभी वहां पर एक आदमी आया और उसने भीम को बताया कि उसे कुछ समस्या है जिसका भीम समाधान करे। भीम ने उससे पूछा कि क्या समस्या है, तो आदमी ने बताया कि मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को मारकर खा गई, और मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने एक धागे से एक पहाड़ को हिला हिलाकर चकनाचूर कर दिया। उसने ऐसे ही तीन दृश्य और बताए जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था और जिसके जवाब वह भीम से चाहता था। भीम ये समस्या लेकर महाराज युधिष्ठिर के पास गए, तो महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि इस व्यक्ति ने जो देखा है वो कलयुग के लक्षण हैं, जिनमें से पहला है कि गाय अपने बच्चे को मारकर खा गई। इसका अर्थ है कि कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों से इतने ज्यादा अशक्त होंगे कि अपनी इस आसक्ति के कारण वे अपने बच्चों का हित नहीं देख पाएंगे और उनका शोषण करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि पांचवा लक्षण उस व्यक्ति ने जो देखा वो यह था कि एक व्यक्ति ने एक धागे से हिला हिलाकर एक पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। इसका अर्थ महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि कलयुग में बड़ी सी बड़ी समस्याओं को भी भगवान का नाम लेकर चूर चूर किया जा सकता है, और इसलिए कलयुग में जीवन जीने का सही तरीका भगवान के नाम का जाप करना है। इसका मतलब है कि कलयुग में हमें सही तरह से जीवन जीने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यज्ञ, दान, तपस्या, योग इत्यादि, बल्कि हम जो काम कर रहे हैं उसी के साथ साथ भगवान का नाम लेने से हमारा कल्याण हो सकेगा। ना ही हमें घर छोड़कर जंगल जाने की जरूरत है और ना ही घंटों बैठकर तपस्या करने की जरूरत है, बल्कि कुछ समय जो भी हम निकाल सकें उसमें भगवान का नाम जपने की जरूरत है, जिससे हमारा जीवन सफल हो सकेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।